नगर पंचायत भोटा में राजकीय प्राथमिक पाठशाला भोटा में शिक्षा खंड बिजड़ और भोरंज के दिव्यांग बच्चों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बच्चों की टीम का LIMCU की तरफ से आई टीम ने पहली से लेकर 12वीं तक के 40 दिव्यांग छात्रों का निरीक्षण किया। ये चिकित्सा शिविर डाइट हमीरपुर गौना करोड़ के सौजन्य से आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर डाइट के समन्वयक वीरेंद्र कुमार व भोटा प्राइमरी स्कूल के केंद्रीय मुख्य शिक्षक संदीप व भोटा PHC हॉस्पिटल की आंखों की चिकित्सक मीना कुमारी आदि मौजूद रहे। शिविर का क्यों किया गया, आज किस लिए किया गया? एक्चुअली आज जो एक दिवसीय शिविर का भोटा के प्राइमरी स्कूल में किया गया, उसका उद्देश्य जो CWSN बच्चे हैं उनको LIMCO की तरफ से जो एक चिकित्सीय सहायता मिलती है, उनको असेस किया जाता है कि उनकी डिसेबिलिटी कितनी है और किस तरह की है। उसके बाद उनको LIMCO जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाइंसिस देता है उनके लिए। कितने ब्लॉकों के बच्चे हैं आज? आज इसमें दो ब्लॉक्स के बच्चे हैं, एक तो भोरंज ब्लॉक और दूसरा बिजड़ू ब्लॉक के बच्चे हैं इस कैंप में। कितने बच्चे हैं आज? अभी तो चल रहे हैं, अभी हमारे पास 15-20 बच्चे आए हैं, लेकिन शाम तक ये अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 50 और 60 के बीच में बच्चे आए।